हेलो गाइस, आई एम धर्मेंद्र नोटियाल। यू आर वाचिंग नाउ बिड स्पेस इंडिया पावर्ड बाय edowiz.com। गेट ऑल बिगेस्ट कोर्सेस लाइक ट्रिपल सी, ओ लेवल, पाइथन, डीटीपी, बिटेली, लोएस्ट प्राइस एट योर होम। हेलो फ्रेंड्स, इस साइट के ऊपर अगर आपको कोर्स करना है तो उसके लिए आपको जो स्टेप्स फॉलो करते हैं, तो पहला जो स्टेप है वो है आपका वेबसाइट पर अपनी ज़रूरत का कोर्स सिलेक्ट करें। सबसे पहले तो ऊपर आप साइट पे जाएंगे, ये हमारी साइट है, इसका जो ईमेल एड्रेस है edowiz.com है। इसमें अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं नीट के हिसाब से, जैसे ट्रिपल सी, ओ लेवल, DTP, लक्ष्य, फाइनेंशियल टैली, वेब डिज़ाइनिंग, ऑनलाइन लर्निंग, पाइथन, सी लैंग्वेज, डेटा स्ट्रक्चर थ्रू सी, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट, जावा कोर एंड एडवांस। अब जैसे यहाँ पर ट्रिपल सी एक जैसे ही कोर्स है, इस कोर्स को आप अगर सिलेक्ट करते हैं तो उस कोर्स को आपको स्टेप टू में अच्छी तरह से परख लेना है, या तो उसमें आप संतुष्ट हो जाएं कि इसमें आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस कोर्स का पूरा पेज खुल जाएगा, जिसमें आपको डिस्क्रिप्शन बताएगा कि कोर्स में क्या है, कोर्स के क्या फ़ायदे हैं, कोर्स कैसे करें, किस तरह से कोर्स करना चाहिए, परीक्षा कब होती है, मार्क्स कितने आएंगे आपके इसमें। अब इसमें क्या होता है, कोर्स में कैरिकुलम होता है। कैरिकुलम में जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, मतलब पूरा जो कोर्स है आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसमें हर सब्जेक्ट के वाइज आपके यूनिट्स बनी हुई हैं। इस यूनिट्स में आप वीडियोस प्लस टेक्स्ट और ग्राफिक्स के जरिए आप पूरा कोर्स समझेंगे। तो इसमें चैप्टर वाइज पूरा कोर्स दिया हुआ है, ये मैं पूरा आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे पूरे ट्रिपल सी कोर्स का एक पूरा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में ये सारे टॉपिक्स हैं जो आप 3 महीने के कोर्स में कवर करेंगे। ये बेसिकली 3 मंथ्स का कोर्स होता है। अब इसमें कुछ फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं, उसको भी आप देख लीजिए, जैसे मनी बैक गारंटी, कितना पैसा आपको वापस मिलेगा अगर आप फेल हो जाते हो या तो आप एग्ज़ाम क्रॉस नहीं कर पाते हो, एग्ज़ाम फॉर्म कब भरते हैं, ट्रिपल सी एग्ज़ाम में न्यूनतम आयु क्या है, कुछ अनाउंसमेंट है कि ये अनाउंसमेंट कब कोर्स स्टार्ट होगा, रिव्यू जो है आपका। इस कोर्स को आप पूरा देख लीजिए, सेटिस्फाइड हो जाइए। सेटिस्फाइड होने के बाद अब इसमें जो तीसरा स्टेप आता है वो है अपने किसी भी ईमेल एड्रेस से इस साइट पे जाके अकाउंट क्रिएट कर लें। इस साइट पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए ऊपर सबसे टॉप पे देखेंगे आप, लॉगिन होगा और बगल में एक रजिस्टर होगा। इस रजिस्टर पे आप क्लिक करिए तो उसमें देखिए साइन अप आता है, तो साइन अप में अपना लॉगिन का आईडी, किस नाम से आप लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं वो आप लॉगिन आईडी यहाँ लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे डेमो टाइप कर रहा हूँ, ईमेल एड्रेस कोई भी आप अपना demo@gmail.com कोई भी आपको टाइप करना है, पासवर्ड जो आपको रखना है वो पासवर्ड रख लीजिएगा और रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिएगा। तो अगर ये यूज़र आपका आईडी अवेलेबल होगा तो आपको ये अकाउंट क्रिएट करके देगा। जैसे मैंने यहाँ पर एक लॉगिन आईडी पहले से क्रिएट कर रखा है, तो मैं लॉगिन आईडी पासवर्ड देकर मैं लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैं जो स्टेप था उस स्टेप में मैंने लॉगिन किया। जैसे मैं लॉगिन करूँगा तो ये आपका देखिए ऊपर आपका यूज़र आईडी का नाम आ जाएगा कि आप इस पर्टिकुलर अकाउंट से लॉगिन कर चुके हैं। अब आप ऊपर देखिए आपका जो लॉगिन आईडी है वो चेंज हो गया है। ये देखिए लॉगिन आईडी आपका चेंज हो गया, Ajay12979 इस नाम से मैंने पहले लॉगिन आईडी बना रखा है। अब इसमें आपका पूरे सर्टिफिकेट्स, अगर आपने कोई अर्न किए होंगे तो आप यहाँ से अपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हो, अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हो आप यहाँ से, जिसमें आपका नाम, सरनेम, ये सब आपका, पासवर्ड आप नया आप चेंज कर सकते हो। अगर आपने किसी ग्रुप्स को ज्वाइन किया हुआ है तो आप यहाँ पर ग्रुप देख जाएंगे, आपके स्टूडेंट कितने हैं, ग्रुप में कितने स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो देख जाएंगे। ये आपका होम है, आपके जो कोर्सेज चल रहे होंगे आपके सारे कोर्सेज यहाँ पर आएंगे, जो भी आपने कोर्सेज परचेज कर रखे होंगे, क्विज वगैरह जो भी आपने लिए होंगे क्विज आपकी आएंगी, ऑर्डर्स आएंगे आपके, मेम्बरशिप आपके प्लान्स वगैरह आएंगे, एक्टिविटी में आपकी कुछ एक्टिविटीज़ होंगी जो आप करते होंगे, जो आप कमेंट्स वगैरह नोटिफिकेशन आपके आते रहेंगे यहाँ पर। आपके सेटिंग्स हैं, सेटिंग्स में आप अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, जैसे आपका ईमेल एड्रेस, सोशल अकाउंट, प्रोफाइल विजिबिलिटी, ये बहुत सारी आपकी सेटिंग्स हैं आपके अकाउंट के अंदर, जिसका आप यूज़ करके अपने अकाउंट को आप रन कर सकते हो। मेन जो एम है आपके कोर्स का,
जिसमें आपको कोर्स सारे मिल जाएंगे बहुत ही मतलब चीप रेट पे, मतलब सस्ते कोर्स। अब स्टेप फोर है, जो भी आपने कोर्स सिलेक्ट किया होगा उसका आपको पेमेंट करना है। पेमेंट कैसे करोगे, जैसे मान लीजिए ये ट्रिपल सी कोर्स है, इसको आपने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर वन टाइम पेमेंट पे जाना है। अब ये वन टाइम पेमेंट गो टू कार्ट पे कन्वर्ट हो गया, आप गो टू कार्ट पे वापस क्लिक करना है। अब इसमें देखिए, मैंने जो आपने कार्ट में ऐड किया होगा तो ये पहले से कोर्स ऐड है, मैं इसे हटा देता हूँ। ये देखिए आपका ट्रिपल सी जो है आपका कोर्स सिलेक्ट है, 600 इसका प्राइस हो गया। प्रोसीड टू चेकआउट पे आप क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको अपना पूरा नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी का नाम जो भी है आपका, किसी कंपनी में आप काम करते हैं नहीं तो छोड़ दीजिए, वो ऑप्शनल है। जैसे मैं अपना नाम यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। अपना आप घर का एड्रेस जो है वो आप एड्रेस डाल दीजिएगा, ऑप्शनल है ये आपका। सेकंड एड्रेस, टाउन जो भी सिटी है आपका, उत्तर प्रदेश हो गया, जिप कोड आप डाल दीजिएगा। फ़ोन नंबर जो भी आपका वर्किंग फ़ोन नंबर है वो आप डाल सकते हैं, और ईमेल एड्रेस जो आपका होगा। अब इसके बाद आपको जो पेमेंट करना होता है आप सीधे डायरेक्ट बैंक में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो सेकंड ऑप्शन लेके प्लेस ऑर्डर पे आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो सारी पूरी इन्फॉर्मेशन भर के आप ऑर्डर पे क्लिक कर दीजिए। अब ये जो ऑर्डर होगा आपका, इस ऑर्डर में क्या होगा, हमारा जो पेमेंट गेटवे है उस पेमेंट गेटवे के थ्रू आप कार्ड से, नेट बैंकिंग से, किसी वॉलेट से या UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो मेरा पेमेंट है वो मैं नहीं कर रहा हूँ। अब ये फिफ्थ स्टेप है, या इसमें क्या होता है, जो भी आपने कोर्स लिया होगा उस कोर्स को आपको आपको पूरा करना है, तो मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ पेमेंट को। आपको अपने अकाउंट में जाना है, अकाउंट में जाके जो भी कोर्स आपने लिए होंगे, देखो यहाँ पर इस तरह से कोर्स आएंगे, तो आप स्टार्ट कोर्स पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये कोर्स का आपको पूरा यहाँ पर डिटेल आएगा। अब इस डिटेल में क्या होता है, जैसे मैं बताता हूँ ट्रिपल सी वाले कोर्स में जाके, इस कोर्स में गए आप, इसमें कैरिकुलम पे जाएंगे आप, तो इसमें देखिए ये आपका इंट्रोडक्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करिए, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे कोर्स के ऊपर, तो ये जैसे इंट्रोडक्शन पे मैंने क्लिक किया है, और ये आपका एक वीडियो आ रहा है, इस वीडियो को आप प्ले करके पूरा ये पूरा चैप्टर आप पढ़ लीजिए जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, और इसके जो कंटेंट है वो भी आप ध्यान से पढ़ सकते हैं या पढ़ लीजिए। इसके नीचे क्या होगा, आपके एक बटन आएगा, उस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा कंप्लीट दिस सेक्शन या कंप्लीट द चैप्टर। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये चैप्टर क्या कर दिया जाएगा, मार्क कर दिया जाएगा कि आपने इस चैप्टर को कम्प्लीट कर लिया है, ठीक है। इसी के साथ साथ हम लोग क्विज भी देंगे, जैसे आपका नीचे एग्ज़ाम्स आएंगे, उस एग्ज़ाम को आप क्लिक करके उसको उस पर्टिकुलर टॉपिक का आप एग्ज़ाम दे सकते हो। इसी तरह से इसमें और भी जो आप देख सकते हो कि इस कोर्स के अंदर बहुत सारे और सेक्शंस हैं, टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक का आपको क्या होगा, वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलता जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव पर क्लिक किया आपने, तो ऑब्जेक्टिव के आपके वीडियोज़ आएंगे और उसके कंटेंट्स आएंगे, ठीक है। तो अभी नहीं बता रहा है क्योंकि आपको इस कोर्स को परचेज करना पड़ेगा। तो इसे देखिए, नीचे एक बटन आ रहा है कंप्लीट, जो मैं आपको बता रहा था, ये कंप्लीट का बटन आएगा, तो इसका मतलब वो ये जो सॉफ्टवेयर है या वेबसाइट है समझेगी कि आपका इस टॉपिक को आपने कंप्लीट कर लिया हुआ है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, यहाँ से आप इस पर्टिकुलर साइट से आप पूरा कोर्स आप यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, और अपना जो सर्टिफिकेट है वो अर्न कर सकते हैं बहुत ही कम रेट पर। ये जो स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आपको मतलब हर बार नहीं करना है। आपने देखो वेबसाइट पे जो भी आप कोर्स सेलेक्ट करोगे उसको आप देख लोगे, ईमेल अकाउंट सिर्फ एक बार क्रिएट करना है, पेमेंट आपको हर कोर्स के लिए जैसे हो सकता है अलग अलग करना पड़े। जैसे आप देख रहे हो ये आपका ये कोर्स है नाइलेट का, ओ लेवल आगे जाके आपको ओ लेवल करना हो तो फिर इसकी आप फीस जमा करके इसका पूरा 1 ईयर का कोर्स कर सकते हो। इसी तरह से DTP विद टैली वाला जो कोर्स है ये कर सकते हो,
हमारा टैली का कोर्स है, आप ये कर सकते हो। तो इसके लिए आपको लॉगिन आपका यही रहेगा जो आपने लॉगिन किया था, बस आपको पेमेंट करके वो पर्टिकुलर कोर्स को पढ़ना है उस ड्यूरेशन में। हो सकता है कि वो आप एक महीने में कर लें कोर्स, हो सकता है जो 3 महीने मैंने आपको बताया इस कोर्स का जो ड्यूरेशन होता है 3 महीने का होता है, तो 3 महीने में आप करो, ठीक है। तो उसमें आपको सर्टिफिकेट आपको गवर्नमेंट की तरफ से आ जाएगा, और अगर आप पास नहीं कर पाते हैं तो हम आपका एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा देते हैं इस पर्टिकुलर कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, जिसको आप कहीं भी गवर्नमेंट जॉब में लगा सकते हैं। ओके, तो ये स्टेप्स हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है इस स्टेप्स को समझने में या नहीं हो पा रहा, तो आप मेरा जो नंबर है उस नंबर पर आप, ये मेरा नंबर है 9935446643, उस पर आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू।